कप्तान के फिर वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी, कहा वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहानी मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ में शर्म होती तो इस्तीफा दे देते, हम भगा कर ही दम लेंगे। इमरान खान का 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। पांचों जजों ने कहा कतरी खत झूठ है। शेख रशीद कहते हैं लोग इंसाफ, खुशहाली और रोजगार चाहते हैं, 2017 में ही फाइनल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का आबिद शेर अली को करारा जवाब देने का फैसला। क़यादत आज इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करेगी। वज़ारत पानी और बिजली में घपले बेनकाब किए जाएंगे। सिंध में गैस और बिजली की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। कराची, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंकोट, बदीन समेत कई शहरों में धरने। बिजली की तलब कम होने के बावजूद लोड शेडिंग रावलपिंडी में दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। कंस्ट्रक्शन का बहाना करके 5-5 घंटे बिजली गायब। पंजाब भर में बारिशों से मौसम सुहाना। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली, गर्मी का जोर टूट गया। छुट्टी के दिन मौसम एंजॉय करने के लिए शहरी पार्कों में पहुंच गए। कामोकी में मकान की छत कयामत बनकर टूट पड़ी, दो खवातीन और दो बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में दीवार गिरने से नौजवान की जान चली गई। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, 6 माह की मेहनत जाया होने से किसान परेशान। मजीद बादल ना बरसने के लिए दुआएं। कराची में रेंजर्स को इख्तियारात मिलते ही शहर भर में स्नैप चेकिंग। हसास इदारे के अजीजाबाद में लाल किला ग्राउंड के करीब कार्रवाई, असलहे की खेप पकड़ी गई। मर्दान यूनिवर्सिटी के गार्ड्स मशाल खान का कत्ल रोकने में नाकाम रहे। यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी इंतजामात भी नाकिस होने का इंकशाफ। लोधरा में घर लूटने आया डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। खूब छितरौल की गई, इत्तला के बावजूद पुलिस के न पहुंचने पर लोगों का एहतजाज। उमरा करने वालों में पाकिस्तानी बाजी ले गए रवां बस। 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अर्ज मुकद्दस पहुंचे। इंडोनेशिया का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर। फ्रांस में सदारती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए पोलिंग। 11 उम्मीदवार मैदान में। एमिल मेखवान और खातून उम्मीदवार मारिन लॉपेन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक। मर्दे बहरान यूनस खान रिटायरमेंट के फैसले पर कायम, कहते हैं फैसला सोच समझ कर किया है। वेस्ट इंडीज में हर इनिंग्स में भी सेंचुरी बनाई, तब भी खेल जारी नहीं रखूंगा। और चलास में जश्न बहार, अपोलो टूर्नामेंट की रंगीनियां खत्म। इख्तिताम पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। ट्वेंटी फोर न्यूज़ बाखबर।